हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त हनुमान। बच्चों, आज की कहानी बड़ी यूनिक है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। और हाँ, तब तक आप इस चैनल को नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुरू करें। सवाना का जंगल, जहाँ सुबह होते ही आसमान लाल रंग में रंग जाता था। दिन चढ़ते चढ़ते सुनहरी धूप में पूरा जंगल जगमगा उठता। सारे जानवर अपने दिनचर्या पर निकल पड़ते। वही जंगल के किनारे पर भेड़ों का झुंड रहता था। भेड़ों का झुंड जंगल के बाहर के इलाके पे अपना डेरा जमा कर रखा था। एक दिन एक शेर का बच्चा, जो जंगल से गुम हो गया था, भटकते भटकते उन्हीं भेड़ों के झुंड में आ मिला। एक मादा भेड़ ने उस शेर के बच्चे को पालने का निर्णय लिया। शेर का बच्चा बाकी भेड़ों के बच्चों के साथ में हंसता खेलता मस्ती करता, और इसी तरह दिन बीतते गए और शेर बड़ा हो गया। अब शेर बड़ा तो हो गया, लेकिन अंदर से बहुत भोला था। वो अंदर से भेड़ से भी कमजोर दिल का था। सारे भेड़ मिलकर उस शेर का मजाक बनाते थे, क्योंकि वो उनसे अलग जो दिखता था। एक दिन वो शेर बहुत उदास हो गया और अपनी माँ से कहने लगा, माँ माँ, मैं दिखने में एक शेर हूं, पर अंदर से शेर नहीं। अंदर से मुझ में शेर वाली कोई बात नहीं। ना मैं एक भेड़ बन पाया, ना एक शेर। मैं तो इन लोगों से काफी अलग हूं। मैं क्या करूं माँ? बेटा, अलग सोच रखना या अलग दिखना कोई शर्म की बात नहीं। जो लोग अलग सोच रखते हैं, वही सक्सेसफुल या सफल होते हैं। तुम्हें अपने आप को पहचानना होगा, अपने अंदर झांकना होगा, अपनी शक्तियों को पहचानना होगा। मुझे यकीन है कि एक दिन तुम अपनी शक्तियों को जरूर पहचानोगे और एक बड़े राजा बनोगे। बेटा फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर जंगल में हाइनास का एक झुंड उन भेड़ों के झुंड की तरफ बढ़ने लगा, और रात होने से पहले वो झुंड तक आ पहुंचा। उनमें से कुछ हाइनास ने उसी मादा भेड़ पर हमला कर दिया और उसे घसीट कर ले जाने लगे। मादा भेड़ चिल्लाई, बेटा मुझे बचाओ। ये देखकर शेर घबरा गया, डर गया और डर के मारे कांपने लगा। तभी एक चमत्कार हुआ और शेर अंदर से सच में एक शेर बन गया। वो झट से उन हाइनास पे हमला किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी माता की ओर देखने की? क्या वो तुम्हारी माँ? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। क्या तुझे पता? क्या तुझे पता ये इसकी माँ? नहीं, मुझे भी नहीं पता। ओए, तुझे पता था क्या? अगर यहाँ से नहीं गए तो हम तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। मुझे छोड़ दो, हम जा रहे हैं, जा रहे। अगली बार अगर यहाँ आए तो मारे जाओगे। और सारे लकड़बग्गे वहां से भाग चले गए और शेर उस जंगल का राजा बन गया। और सारे जानवर प्यार से उस शेर को राजा साहब कहने लगे। बच्चों याद है ना मादा भेड़ ने क्या कहा था? अपने आप को पहचानो, अपनी अंदर की शक्ति को जगाओ। बच्चों यही बात हम सभी पर लागू होती है। हर एक बच्चे के अंदर अलग अलग किस्म के टैलेंट होते हैं, पर किताबों की प्रेशर में या पढ़ाई के प्रेशर में हम उन टैलेंट को छुपा देते हैं और समय के साथ साथ वो टैलेंट कहीं गुम हो जाते हैं। जरूरत है कि आपको अपने उस टैलेंट को पहचानने की और उस पर काम करने की। जिस दिन आपका ये टैलेंट आपका पैशन बन जाएगा, सक्सेस आपके कदम चुमेगी। बच्चों तो बच्चों ऐसी और अनाव की कहानी के साथ और नई सीख के साथ हम फिर मिलेंगे आपके अपने इसी चैनल रुत्वीस में। देखो और सीखो। तब तक इस चैनल को लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, हम फिर मिलेंगे। बाय बाय।